एक्सपेक्टिव से सिल्वर कॉइन्स की काफी बिक्री हुई है, लेकिन अगर वापस स्ट्रेटजीज की बात करें तो अनुज, ज्वेलरी बायर्स हो या फिर इन्वेस्टर्स हो, उनके लिए तो एक इंडिकेशन मिस्टर मेहता ने दे दिया कि अभी रुको, बेहतर लेवल मिलेंगे एंट्री करने के, लेकिन ये बताइए ट्रेडर्स को क्या करना है अभी? देखिए, जिस तरीके का सेंटीमेंट दिख रहा है और इंटरेस्ट रेट पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है, तो हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स एक महीने के उत्तम स्तर पर आया है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं गोल्ड में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से मुझे लगता है कि बिकवाली के साथ आपको मार्केट देखने को मिल सकता है। अभी देखें तो गोल्ड $2020 के नीचे आ गया है, सिल्वर भी ऑलमोस्ट $23 के नीचे ट्रेड कर रही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर गोल्ड के अंदर बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड अगर किसी को ट्रेड करना है तो 62,000 के ऊपर अगर आता है तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड लें, 62,180 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे करीबन 61,700 और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $2010 से लेकर $2005 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि भावों में थोड़ी बहुत गिरावट देखी जा सकती है, हालांकि हमने कुछ दिन पहले एक अच्छा मोमेंटम देखा था, पॉजिटिव बायस, बट 2050 का जो एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई और वीकली बेसिस पर हमने एक अगेन एक गिरावट आती हुई देखी। तो मुझे लगता है कि जब तक मार्केट $2050 के ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोज नहीं करेगा तब तक हम एक अच्छा रनअप नहीं देख पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे फिलहाल अभी सेलन राइज का मार्केट रहेगा। डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है $2000 का, जो कि अगर ब्रेक होता है तो फिर $1980 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो $2000 के लेवल को वॉच करना चाहिए और बिकवाली आने के लिए। अगर $2000 का लेवल सस्टेन होकर नीचे की तरफ टूटता है तो फिर $1980 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तो